आज हम आप लोगों से किसी से मिलवाना चाहते हैं। सो कौन है हमारे HRPG का सबसे फेमस पर्सन है जो सोशल मीडिया पे आजकल बहुत छा गया है, तो कौन ये है? तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? BA सेकंड ईयर। तो आपका तो YouTube चैनल है जी जी। तो आप कैसे मतलब न्यूज मतलब ऐसे डालना अचानक से कैसे कर लिए आप लोग? देखिए हम लोग का मतलब ऐसे आते थे तो सोचा कि कुछ चैनल बनाया जाए, तो बनाए और उसके बाद से हम लोग जैसे मेहनत किए तो अच्छा सब्सक्राइबर मिलने लगे, जिससे हम लोग चैनल उसे बनाए। प्रिंसिपल सर से मिले, वो कहें कि देखिए यहाँ के नेचर के बारे में ध्यान दीजिएगा और अगर आप लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो हम विद्यालय से सम्मानित करेंगे, इसलिए हम लोग का थोड़ा उत्साह बढ़ गया, जिससे हम लोग चैनल बनाए। सभी लोग से हरदम क्वेश्चन पूछते रहते हैं, पक्ष विपक्ष को नहीं। हम देखते हैं आपको बहुत ही अच्छा होता है। तो आप डेली क्लास करने आते हैं? डेली आते हैं। तो यहाँ का न्यूज जो है तो आप हमेशा देते रहते हैं, ऐसे आगे भी देते रहेंगे? जी जी जी। तो इसके आगे आपका क्या है? इसके आगे जैसे अब मान लीजिए चुनाव नगर पालिका में होने वाला है तो इसके आगे वहीं चले जाएंगे। तो यहाँ आप गेम वगैरह भी खेलते हैं कि वैसे? गेम भी मान लीजिए खाली रहते तो गेम भी खेल लेते हैं दोस्तों के साथ। तो आपके जो दोस्त लोग हैं तो वो भी बनाते हैं कि मतलब? नहीं नहीं मैं ही बनाता हूँ, एक दोस्त है प्रदीप, उनका चैनल है तो दूसरी चीज का चैनल है उस पर बताते हैं। अच्छा, तो मतलब ये आपका चैनल है? हाँ ये मेरा चैनल। आप तो एकदम छा गए हैं यहाँ पे, फेमस हो गए हैं HRPG में। तो आप मतलब यहाँ के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? यहाँ पे मान लीजिए सब लोग आते हैं तो पढ़ते हैं और खेलते हैं, जिससे उनको अच्छा लगता है और खेलना ही चाहिए, और खेलते हैं तो उनका जो मानसिक रहता है वो अच्छा रहता है। और यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं, बहुत सारे दूर दूर से बच्चे आते हैं, सब पढ़ते उड़ते हैं और यहाँ ज़्यादा नेतागिरी करते हैं बच्चे, चुनाव उनाव लड़ते हैं आप जानती हैं। तो वो तो आपका प्रॉफिट ही है, न्यूज़ पे दिखाते रहिएगा। पैसा ही पैसा होगा। तो यहाँ पे लड़ाई वड़ाई ज़्यादा होती है? लड़ाई तो भाई अब बच्चे आते हैं तो जब चुनाव होगा तो लड़ाई कर ही लेंगे। हाँ बोलिए। तो और जैसे कि हम बताएंगे, यहाँ पर देखिए फील्ड में बच्चे बहुत सारे खेल रहे हैं और इस विद्यालय में इसी तरीके से बच्चे खेलते रहते हैं। और पीछे जैसे है अभी देखिए खेल बंद है, यहाँ कबड्डी चलता था और यहाँ पर बहुत जल्द सुंदरीकरण होने वाला है जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया। और हम इस विद्यालय से हरदम बने रहते वर्मा सर के पास जाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि मीडिया ये चीज़ है वो चीज़ है, उन्होंने मीडिया की ताकत के बारे में बताया कि भारत का जो लोकतंत्र है उसमें चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। आप किसी भी अधिकारी के पास जाकर अपनी बात को रख सकते हैं और किसी की बात को पहुंचा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति है या सरकार तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पाता है तो मीडिया पे अगर कहता है तो सरकार तक वो बात उनकी पहुंच जाती है, इसीलिए मीडिया को इस भारत में बहुत अहम माना जाता है। लेकिन कुछ राजनीतिक तत्वों ने मीडिया को खरीदने का काम करते हैं और मीडिया भी वही काम कर रही है आज इस ज़माने में, और इस समय तो वही सब चल रहा है। लेकिन हम जहाँ तक है एक जो भी रहता है हम सच्ची चीज़ दिखाते हैं जब ताकि हर एक व्यक्ति उससे खुश रहे और संतुष्ट रहे, और हम हर एक छात्र की आवाज़ हर एक किसी के तक पहुंचाने का कार्य मतलब करते पच हैं। विपच कुछ भी रहे, हाँ किसी के तरफ से कोई बात रहे हम तुरंत दिखाते हैं और किसी की बात छुपाते नहीं हैं। मीडिया का जो काम है वही हम खुलासा करते हैं। करना हाँ खुलासा करना, और इसीलिए बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई तब से हम करते हैं। और उन्होंने कहा कि आप ऐसे निरंतर मेहनत करेंगे तो आगे बहुत आगे जाएंगे, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते रहते हैं और मिलते रहते हैं, क्योंकि जो भी हमारे लायक अगर सहयोग रहेगा तो आप हमारे पास आइएगा तो हम ज़रूर आपका सहयोग करेंगे। तो इसीलिए और कुछ तो आप अब जा रहे हैं पेपर देने? आज आपका एग्जाम है? अभी एग्जाम है तो जाएंगे पेपर ऊपर देंगे, टेस्ट चल रहा 10 नंबर का। तो मतलब कंपलसरी है देना उसको? हाँ कंपलसरी है, जब सब बच्चे दे रहे हैं तो हम भी देंगे। पूछा गया था x² / y² तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।